बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये मेरी सैटरडे का व्लॉग से, मैंने सैटरडे को ये वीडियो बनाई थी क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है यहाँ पे दुबई में। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो हम लोग गए थे पहले ग्रोसरी लेने, सेंटर गए थे। वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, बल्कि पूरे वीक की ही शॉपिंग कर लेती हूँ मैं। तो ऐसे आसानी रहती है क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ग्रोसरी ली है। जो ये है सेंटर जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी माशाल्लाह आगे रमज़ान भी आने वाला है बहुत जल्द। माशाल्लाह बहुत ही कम दिन रह गए, तो यहाँ से मैंने पहले ये मुझे सामने नज़र आया कम्फर्ट, ये उठाया। उसके बाद यहाँ से मुझे लेना था ये ऑलिव ऑयल, तो ये देख रही थी मैं इनमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा लूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑलिव ऑयल्स रखे हुए हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। साथ में यहाँ पे देसी घी भी रखा हुआ था, तो रखे हुए हैं देसी घी बहुत सारी कंपनियों के हैं। तो सोच रही थी यहाँ से कोई देसी घी भी लूँ, क्योंकि इसमें अंडे बनाए या पराठे बनाए बहुत ही अच्छे बनते हैं। और साथ में यहाँ से मैंने फ़िश ली, फ़िश ऑर्डर करके वहाँ पे दे दी। तो जी उसके बाद जल्दी से मैं आ गई थी घर। तो यहाँ ये दिखाऊँ मैं आपको, मैंने लिया 4 गोश्त मसाला और कुछ ईस्ट है क्योंकि पिज़्ज़ा वगैरह बनाती हूँ, और ये कलर है फूड कलर जैसे होता है। और साथ में ये मटन बिरयानी है, ये मसाले भी लिए मैंने, कसूरी मेथी नहीं थी ये भी ले ली। और बच्चों के लिए ये डाइजेस्टिव लिए, चाय के साथ खाते हैं। और साथ में ये टूना फिश है, बहुत मज़े की बनती है। और ये बटर है, साथ में मिल्क लिया है फ्रेश मिल्क। और ये है जी चिकन टिक्का, ये भी अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो बच्चों को स्कूल के लिए भी देना पड़ता है। साथ में ये मैंने लज़ानिया ली थी, ये ढूंढ रही थी मैं। और कुछ लाल मिर्चें हैं और चॉकलेट्स हैं बच्चों के लिए, और ओरिगानो लिया है। ओरिगानो नहीं था क्योंकि काफ़ी सारे मुझे मसाले वगैरह लेने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी हैं क्योंकि नए नए हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, और लाल मिर्चें नहीं थी। और ये फिश है, इसको मैं मसाला लगा के रख दूंगी। और ये मैंने लिया था कंफर्ट, ये कपड़ों में बहुत अच्छी इसकी स्मेल आती है। साथ में ये डिटर्जेंट है कपड़े धोने के लिए, और साथ में ये मैं इसके साथ धोती हूँ अपने अबाए, ये लिए हैं। साथ में हैंड हैंड वॉश के लिए साबुन लिया है। तो ये थी ग्रोसरी, ये शॉपिंग की है मैंने। और साथ में ये तेल है, हॉर्लिक्स है, ऑलिव ऑयल है, और ये सारे चीज़ें अभी मैं रखूँगी अपनी अपनी जगह पे समेट के रखूँगी, क्योंकि शॉपिंग करके आए तो सब जगह नीचे ग्रोसरी उसकी थैलियाँ पड़ी रहती हैं। तो जल्दी जल्दी जो कुछ, फिश को मैं मसाला लगा दूँगी अभी, ऐसे ही फ्रीजर में नहीं रखूँगी। और मसाला लगा के रखती हूँ वैसे आसानी रहती है। साथ में कुछ वेजिटेबल्स ली थी, ये हरा धनिया है, हरी प्याज है। तो ये थे बच्चों के लिए, जूस लिए हैं, ये क्रीम है, तो शिमला मिर्च, इस तरह से थोड़ी थोड़ी जो भी सब्ज़ी की ज़रूरत होती है मैं हर हफ्ते जाती हूँ ग्रोसरी करने के लिए तो लेकर आती हूँ। तो ये थी ग्रोसरी, इसको रख दूँगी अभी सब अपनी जगह में। तो उसके बाद जी खाने में मैंने दोपहर को बनाए थे ये हैदराबादी बैंगन। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन इतने मज़े के बने थे, आप इसकी शक्ल देख के बता सकते हैं कि कितने मज़े के बने। और इसकी ग्रेवी इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, लेकिन बहुत ही मज़ेदार मज़े के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। सबने बहुत पसंद किए, बहुत ही मज़े के थे। और इसके बाद मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा भी बनाया था साथ में, क्योंकि छोटा बेटा है उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो साथ में पिज़्ज़ा भी बना लिया। एक चीज़ तो नहीं हो, दो तीन चीज़ें हो तो फिर मज़ा आता है खाने में, क्योंकि वीकेंड भी था। तो साथ में पिज़्ज़ा बना लिया और भगारे बैंगन, और ये पिज़्ज़ा देखे मैंने घर में खुद बनाया, कितना मज़े का लग रहा है। चिकन पिज़्ज़ा बनाया था मैंने, कुछ के ऊपर मैं वेजिटेबल्स वगैरह डाल देती हूँ, कुछ ऐसे ही सादा बना देती हूँ, क्योंकि छोटे बेटे को बिल्कुल ही वेजिटेबल्स वगैरह अच्छे नहीं लगते जी। उसके बाद हम लोग चले गए थे शाम को बाहर घूमने। तो ये देखें शारजा में यहाँ पे फेस्टिवल लगा हुआ था, कुछ हमने भी पहली दफ़ा देखा, लाइटिंग फेस्टिवल है ये,
इस तरह से फेस्टिवल लगा हुआ था, लाइटें वगैरह चालू थी, मौसम भी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा मौसम है माशाल्लाह। अभी तक गर्मी नहीं है इतनी, देखें कितना अच्छा लग रहा था। मगरब से थोड़ा ही पहले गए थे हम लोग, यहाँ पे सब ये कैफ्टेरिया के जैसे बने हुए थे, छोटे छोटे फूड कोर्ट जैसे होते हैं, शोरमा खाने की चीज़ें, और पार्क है यहाँ पे बैठने के लिए, झूले वगैरह लगे हुए थे, और यहाँ पे बच्चे खेल भी रहे थे। और ये देखें ये फ्लावर है, ऊपर लाइटें लगी हुई हैं इसकी, और यहाँ पे खिलौने भी रखे थे बच्चों के खेलने के लिए। जब भी फेस्टिवल बनाते हैं यहाँ पे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगाते हैं। ये गेमें वगैरह भी रखी हुई थी, तो यहाँ से हम लोग ने सोचा कि शोरमा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा था लेबनानी शोरमा है, तो यहाँ से शोरमे वगैरह ऑर्डर किए। लोग जब भी यहाँ पे फेस्टिवल में आते हैं तो बस यहीं पे रश होता है, हर जगह पे फूड कोर्ट में। तो यहाँ से हमने शोरमा लिया, हमें भी काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पे। अभी मगरिब हो चुकी है, मगरिब की नमाज़ के बाद हमने लिया, उसके बाद देखें यहाँ पे लाइटिंग शो हो गई है शुरू। ये जो होते हैं ना कुछ भी यूनिवर्सिटी के ऊपर, इस तरह से लाइटें वगैरह लेज़र की तरह चलती हैं, देखें आप किस तरह से ऊपर लाइटें चालू हो चुकी हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। साथ में म्यूजिक पे चलता है, वो तो मैंने आवाज़ म्यूट कर दी वरना कॉपीराइट आ जाएगा। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस तरह से लाइटिंग चलती है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।